So friends, here we will start our Android programming introduction. What is the Android programming? Android programming is the basic, it is called the computer programming, which is useful in the touchscreen devices such as mobile and tablets, etc. Basically, we can say the Android programming, the Android operating system, is the operating system of any computer or touchscreen devices which can help to move our function smoothly. हम कह सकते हैं कि एक एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम इसीलिए ज़रूरी होता है क्योंकि आजकल की दुनिया में टच स्क्रीन गैजेट्स का यूज़ ज़्यादा से ज़्यादा हो रहा है और इन गैजेट्स में टच स्क्रीन फैसिलिटी अधिक से अधिक यूज़ हो रही है. इसके लिए हम एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज़ करते हैं. एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम एक बहुत ही ज़्यादा फैसिलेट ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि एंड्रॉयड के लिए जो फ्रेमवर्क हमें प्रोवाइड कराता है, जो कि यूज़र को टच स्क्रीन डिवाइसेस को इजीली हैंडल करने में सपोर्ट करता है. तो हम ये बोल सकते हैं कि एंड्रॉयड बेसिकली एक सिंपल ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जो कि कंप्यूटर्स और टैबलेट्स में यूज़ किया जाता है. इसके कुछ एडवांटेज भी होते हैं, कुछ डिसएडवांटेज भी होते हैं. अब हम ये सीखेंगे कि एंड्रॉयड का यूज़ क्यों करते हैं, यूज़र्स को एंड्रॉयड का यूज़ क्यों करना चाहिए. इट एक बेसिक सा नीड, जिसे हम बोल सकते हैं कि हमारी कोई भी चीज़ को कंप्लीट करने के लिए हमें एक बेसिक रीज़न चाहिए होता है. किसी भी चीज़ को यूज़ करने के लिए हमें एक बेसिक रीज़न चाहिए होता है कि हम क्यों यूज़ करें, व्हाई एंड व्हेन. तो एंड्रॉयड का यूज़ हम टच स्क्रीन मोबाइल डिवाइसेस में करते हैं और टच स्क्रीन मोबाइल डिवाइसेस आजकल की दुनिया में सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाले गैजेट्स हैं. आजकल की दुनिया में हर कोई ये चाहता है कि वो अपने मोबाइल या स्मार्टफोन को कहीं भी लेके जा सके, अपने टैबलेट का यूज़ कहीं भी कर सके, एरोप्लेन, ट्रेन्स एट्सेट्रा, कहीं भी वो अपने टैबलेट्स या फ़ोन का यूज़ कर सके. तो इसके लिए ये ज़रूरी है कि आप एंड्रॉयड का ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करें. हमें एंड्रॉयड का सिस्टम क्यों यूज़ करना चाहिए? बेसिकली एंड्रॉयड एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसे कि अमेरिका के 4 लोगों ने मिलकर डेवलप किया और इसका बेसिकली यूज़ टच स्क्रीन मोबाइल्स, टैबलेट्स, कंप्यूटर्स एट्सेट्रा में किया जाता है. एंड्रॉयड बेसिकली एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि ओपन सोर्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है. इट मींस हम एंड्रॉयड का यूज़, इसका इंस्टॉलेशन कहीं से भी कर सकते हैं. बेसिकली गूगल कंपनी ने इसे इंट्रोड्यूस कराया है फॉर द टच स्क्रीन डिवाइसेस. सो हम ये बोल सकते हैं कि जैसे कि फ्यूचर में टच स्क्रीन डिवाइसेस का यूज बढ़ता जाएगा, तो एंड्रॉयड के वर्जन्स और एंड्रॉयड का यूज़ भी बढ़ता जाएगा. बेसिकली एंड्रॉयड सिंपल एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि आपको मल्टीटास्किंग और मल्टी थ्रेडिंग में काम करने के लिए उपयोगी है. आप इसका डिफरेंट टाइम में डिफरेंट जगह पे यूज़ कर सकते हैं. तो ये एक बेसिक नॉलेज था अबाउट द एंड्रॉयड प्रोग्रामिंग. एंड्रॉयड प्रोग्रामिंग का डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्जन्स अवेलेबल हैं जो कि अल्फाबेटिकली नेम्ड किए हुए हैं. इट मीन्स जब गूगल कंपनी ने इसके वर्जन्स को डिक्लेयर किया तो कंपनी ने अल्फाबेटिकली इसके वर्जन्स का नाम सजेस्ट किया और इसके सारे वर्जन्स, जिसके जितने भी वर्जन्स आप देख सकते हैं, वो सारे वर्जन्स आप देखेंगे कि ये एक फूड आइटम्स के नाम पे रखे हुए हैं. But why? Because the food items are always interesting. यदि हम food items को देखते हैं, उसकी garnishing देखते हैं, तो हम उसकी तरफ attract होते हैं. Same, आप Android के versions के नाम एक food items के नाम पे रखे जाते हैं ताकि users इनके नाम से attract हो और इसकी facility को use कर सकें. So that is the simple way.
to name the Android versions. So here we can see the Android is a basic computer operating system. It is based on the Linux, Unix, Java programming, etc. इनमें से हम किसी के भी थ्रू एंड्रॉयड को ऑपरेट कर सकते हैं. एंड्रॉयड में जो भी फाइल्स हम जनरेट करेंगे वो .dxc के फॉर्म में जनरेट होंगी. एंड्रॉयड के मेन पार्ट को लाइनिक्स कर्नल बोलते हैं. इट इज़ द हार्ट ऑफ द लाइनिक्स प्रोग्रामिंग. किसी भी लाइनिक्स प्रोग्रामिंग में लाइनिक्स कर्नल एक हार्ट की तरह वर्क करता है. जैसे कि किसी एक हार्ट के बिना कोई भी इंसान जीवित नहीं रह सकता, सेम लाइनिक्स कर्नल यदि एंड्रॉयड के आर्किटेक्चर में ना हो तो कोई भी एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम अच्छे तरीके से काम नहीं कर सकता है. तो बेसिकली हम कह सकते हैं कि एंड्रॉयड पूरी तरह से लाइनिक्स कर्नल पे डिपेंडेंट होता है. इसके अलावा इसमें एक सोर्स कोड होता है और इसका एक बेस कोड होता है जो कि कोई भी अपने अकॉर्डिंग जनरेट कर सकता है. इसका बेसिकली यूज़ एप्स को जनरेट करने में होता है. आप अपने अकॉर्डिंग एंड्रॉयड का यूज़ करके कोई भी ऐप जनरेट कर सकते हैं, किसी भी ऐप को बना सकते हैं, चाहे वो सेफ्टी के लिए हो, चाहे वो टाइम कैलकुलेशन के लिए हो, चाहे वो अलार्म के लिए हो. जैसी नीड यूज़र्स की होती है वैसे ही वो एंड्रॉयड को अपडेट कर सकता है और इसके वर्जन्स के अकॉर्डिंग इसमें चेंजेस कर सकता है. इट इज़ सो ईजी टू यूज़. इट इज़ मल्टीटास्किंग, इट इज़ मल्टी थ्रेडिंग एंड इट इज़ ऑल ओवर फ्री ऑफ कॉस्ट विदाउट एनी कॉपीराइट. किसी भी कॉपीराइट की आपको ज़रूरत नहीं है इसे इंस्टॉल करने के लिए. इट इज़ अ बेसिकली ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम. सो इन दिस लेक्चर हियर then we will know about the Android. It is the basic information about the Android and it is useful for the beginners who will learn about the Android or who want to know about the Android operating system. So in the next slide we will see about the Android PPTs, Android introduction, Android summary, Android architecture, Android advantages, disadvantages, why the user want to use the Android operating system. These all points we will cover on the my upcoming slide. Basically depends on the Android programming. Thank you so much.